हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साहब। तो फाइनली चबूतरा का एक और व्लॉग आ गया है। मतलब व्लॉग पे व्लॉग रेगुलर व्लॉग चबूतरा डाल रही है, बिकॉज़ उसके पास में कंटेंट ही कंटेंट है। एंड अगर कंटेंट नहीं है तो फालतू के कंटेंट उठा करके व्लॉग डालना, वो तो उसकी पुरानी आदत है। एंड जब से फरा मैम ने कहा है कि तुम एक फूड व्लॉगर हो, तुम्हारा फूड का चैनल है ना, तब से तो जैसे उसके एकदम सर पे फूडिंग करने का एकदम भूत सवार हो गया। एकदम मास्टर शेफ बन करके ही उसे निकलना है। एंड वो भी किस चीज़ में, सिर्फ और सिर्फ बेकरी में केक बेक करना, केक बनाना, सिर्फ वही, मतलब यही चीज़ उसकी हॉबी बन चुकी है। एंड फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ केक बनाने के पीछे चबूतरा पड़ी हुई है। इसके 3-4 व्लॉग तो सिर्फ केक 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 इसी पे निकल गए। आज ओरियो बिस्किट का केक बनाया, आज पार्ले जी का केक बनाया। एंड जब दोनों ही फ्लॉप हो गए तो रेडीमेड मार्केट से केक का बैटर खरीद करके लेकर के आई है। एंड सिर्फ उसको मिक्स कर करके उसे बेक कर देना है, ताकि लोग इसे बोल सके कि हाँ, फाइनली चबूतरा ने एक अच्छा केक बनाया है। तो अभी जो नया व्लॉग इसने डाला है वो भी केक के ऊपर ही है। एंड वो व्लॉग भी ये केकम केक में ही निकाल दी। तो आज का ये पॉडकास्ट, आज का ये रिएक्शन वीडियो चबूतरा के उसी केक वाले व्लॉग पे है। तो आई होप कि आप लोगों को सुन करके अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेक श्योर कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। तो केक बनाने से पहले भी 3-4 टॉपिक्स ऐसी है, 3-4 ड्रामे चबूतरा के ऐसे हैं जो कि उसने अपने व्लॉग में दिखाया। ये जब केक बनाने की प्रिपरेशन कर रही थी, उससे पहले रेहान ऊपर आया था इसके घर पे, एंड वो डंबल लेकर के आया था एंड वो एक्सरसाइज कर रहा था। उस टाइम पे चबूतरा भी उससे वो डंबल मांग कर करके सोच रही थी कि वो भी एक्सरसाइज करे, बट पीछे से रिजा आ जाती है। एंड सडनली कुछ ऐसा होता है, रेहान कुछ बोलता है चबूतरा को, जिसको ये कट कर देती है। वैसे तो ये अधिकतर चीज़ दिखाती है अपने ब्लॉग में एंड यही बोलती रहती है कि फ्रेंड्स हम रियल हैं, फ्रेंड्स हमसे सही गलत अच्छा बुरा जो भी होता है हम वो सब दिखाते हैं, फ्रेंड्स हम किसी भी चीज़ को कट नहीं करते, एडिट नहीं करते। लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ, अचानक से रेहान ने कुछ ऐसा किया कि चबूतरा का फेस देखने लायक था। मतलब सडनली वो वहाँ से चली गई एंड रेहान को देखने लगी, मतलब उसे अजीब लुक देने लग गई। तो कुछ तो ऐसा हुआ था, कुछ तो ज़रूर एक्सरसाइज से रिलेटेड या फिर समथिंग कुछ रेहान ने बोला होगा चबूतरा को, जिस वजह से चबूतरा वहाँ से चली गई एंड इस चीज़ को इसने कट कर दिया। तो मुझे ये मतलब अजीब लगा कि जब तुम हर चीज़ दिखाती हो तो रेहान ने तुम्हें ऐसा क्या बोल दिया चबूतरा कि तुमने उस चीज़ को कट कर दिया। तो खैर, ये तो फर्स्ट पॉइंट थी। उसके बाद की जो नौटंकी इसकी थी, मतलब फिर से बाहर जाना, मार्केट जाना, घूमना फिरना, ग्रोसरीज़ लेना, घर के सामान लेना, मतलब यही सब करना है। एंड महान बनने के लिए हमने कपड़े निकाले हैं फ्रेंड्स, हमने ड्रेस निकाले हैं, सेलेक्ट कर लिया है, अब हम ले जा करके सब कुछ बाहर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्रेंड्स, और अगर कम पड़ जाएगा तो फिर ख़रीद करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हम बहुत महान हैं। अगर हम कुछ अच्छा करेंगे लोगों के लिए तभी तो अल्लाह हमारे लिए अच्छा करेगा ना फ्रेंड्स, तो हम इसीलिए कुछ भी करते हैं ताकि रिटर्न में हमें भी बहुत कुछ मिल जाए फ्रेंड्स, यही हमारा फंडा है। तो यही काम इसे करना है, घर को पूरा फैलाना है, घर पे फिर रिनोवेशन कराना है, घर की रिनोवेशन को दिखाना है, यहाँ पर ये बनाया, यहाँ पर वो बनाया। इतना मतलब आलस भरा है इसके अंदर, किसी भी जेन्युइन काम के लिए, जो ज़रूरत वाला काम है वो करने के लिए इसके अंदर इतना आलसी बना जाता है, इतना मतलब आलसी बना जाता है कि अपने शूज़ तक ये रिजा से खुलवाती है। कहीं बाहर से शूट करके आएगी तो रिजा को बोलेगी मेरे शूज़ खोल दो, मेरे सैंडल्स खोल दो। वही ऑन दी अदर हैंड जब इसे प्रमोशन करना होगा, जब इसे रील्स शूट करना होगा, तब आप इसकी एकदम फुर्ती देखना। मतलब इतना स्पीड वे में काम करेगी, इतना स्पीडली बताएगी, इतना स्पीडली डिफाइन करेगी, जैसे बिलीव ही नहीं होगा कि ये वही चबूतरा है जो कि मोहदा जाने के टाइम पे घबराहट हो रही है फ्रेंड्स, शूज़ खोलने के समय में घबराहट हो रही है, और साफ़ सफाई करने में भी मुझे घबराहट होती है फ्रेंड्स। मतलब इतना लेज़ी वे में ये बोलती है ना नॉर्मल चीज़ों को,
एंड वही जब इसे प्रमोशन करना हो, शूट करना हो, रील्स बनाना हो, तब आप इसकी स्पीड देख लो। तो ये इसकी नौटंकी है, ये इसका दोगलापन है, डबल स्टैंडर्ड है जो कि ये अपने व्लॉग में हमेशा शो करती है। एंड मुझे लगा कि ये सारी पॉइंट्स मैंने काफ़ी टाइम से मैं इसके व्लॉग्स में नोटिस कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज इसके ऊपर एक पॉडकास्ट ज़रूर शूट कर लिया जाए। तो ये सब नौटंकी तो हो जाने के बाद फाइनली जब ये पहुँच जाती है अपने केक के ऊपर में केक बनाने के लिए, वहाँ भी इसका केक ऊपर से फट जाता है, वो भी प्रॉपर वे में नहीं बनता है। एंड मुझे समझ नहीं आता गुटका किंग का कि वो इतना ज़्यादा इसे टॉन्ट क्यों करता है। आई मीन आप किसी चीज़ में इसका हेल्प तो कर नहीं रहे हो, वो अलग बात है कि चबूतरा उस लायक की नहीं है, लेकिन फिर भी एज अ हस्बैंड आपको अपनी वाइफ को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आप तो उसी के दम पर पल रहे हो। इतना बड़ा रेस्टोरेंट खुल रहा है तो वो भी चबूतरा के दम पर ही, तुम्हारा तो उसमें अठन्नी भी नहीं लगा है, सिर्फ गुटका किंग को वहाँ जा कर के बैठना है। एंड वो भी सिर्फ बैठना है, पैसे गिनने हैं, शेफ़ कोई और रहेगा, सर्व करने वाला कोई और रहेगा, खाने वाले कस्टमर कोई और है, पेमेंट्स कोई और करेगा, पेमेंट्स का रिकॉर्ड कोई और रखेगा, इसे सिर्फ वहाँ पर जाना है, चेहरा दिखाना है एंड आ जाना है एज अ मतलब सिर्फ मालिक के तौर पर। उसके अलावा इसे और कुछ भी नहीं करना है। लेकिन फिर भी जिसके बदौलत तुम इतना उछल रहे हो, ये उसकी ना तो कोई हेल्प करता है ना कोई सपोर्ट करता है। जब पार्ले जी केक बन रहा था उस समय जब चबूतरा डिफाइन कर रही थी कि मैं आज एक शेफ की तरह, एक गाइड की तरह अपने व्लॉग को शूट करूंगी, क्योंकि जो भी फूड का शूटिंग करते हैं, फूड व्लॉगर होते हैं, वो इसी तरह से बात करते हैं। एंड गुटका किंग बार बार इसे टोक रहा है कि चल 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 चल, बस हो गया हो गया हो गया, सबको पता है कि केक बनाने के लिए, पार्ले जी केक बनाने के लिए मिक्सी में बिस्किट को डालना पड़ता है, मिक्स करना होता है, चल 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 हो गया हो गया, मैं तुम्हारा शूट नहीं करूँगा, मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं वैसे नहीं करूंगा। मतलब इतना वियर्ड बिहेवियर किस वजह से वो कर रहा है मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। बिकॉज अभी उसकी बहन की शादी है, उस पर भी अधिकतर खर्च चबूतरा ही करने वाली है। मौदा में जो घर का इतना ज़्यादा रेनोवेशन हुआ है, वो सब कुछ चबूतरा के आने के बाद हुआ है। उससे पहले गुटका किंग ने वहाँ पर एक ईंट भी नहीं डाली थी, रेनोवेशन करना तो दूर की बात है, एक ईंट भी वहाँ पर उसने नहीं डाली थी। वो सब चबूतरा ने ही करवाया है। मुंबई वाले घर में भी जितना कुछ हुआ है वो सब चबूतरा ने ही करवाया है। तो जिस इंसान पे तुम इतना डिपेंडेंट हो, जिसके चलते तुम आज इतना रहीसी झाड़ते हो, उसको इस तरह से इतने लोगों के सामने निगलेक्ट करना, कुछ भी बोल देना, इवन अभी भी लास्ट टाइम पे भी जो केक चबूतरा बना रही है, जो कि ऑलरेडी रेडीमेड बना हुआ है, सिर्फ उसे बेक करना है, उसमें भी ये बोल रहा है कि देख लीजिए निकल गया चबूतरा का फटा हुआ केक। तो यार मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि एक ये और दूसरे जनाब, इन दोनों से कभी भी एक्सपेक्ट कर लो कि अपनी अपनी वाइफ का कुछ सपोर्ट करेंगे, या फिर कुछ बनाया है उन लोगों ने एंड वो मिस्टेक हो गई हल्की सी तो उसको कवर अप करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कहीं पर भी कभी भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि उन लोगों ने कवर अप किया है, नहीं, उल्टा और बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं। एंड गुटका किंग तो इस चीज़ में माहिर है। तो चबूतरा है अंधभक्त गुटका किंग की, क्योंकि उसे 24 घंटे अपने पीछे आगे पीछे दौड़ने वाला नाचने वाला एक कुत्ता चाहिए, जो कि गुटका किंग बन करके रहता है एंड स्पाइनलेस पर्सन की तरह उसके आगे पीछे नाचता है, बदले में उसे बहुत ज़्यादा ही पैसे मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो खैर पैसे से तो कुछ भी किया जा सकता है, पैसे के आगे पूरी दुनिया झुकती है, उस तरह से गुटका किंग भी झुक रहा है, लेकिन बदले में चढ़ करके कभी कभी वो बोल भी देता है, कभी नहीं अधिकतर टाइम बोलता है। तो ये सब चीज़ें गुटका किंग चबूतरा को नज़र नहीं आ रही है। एंड पता नहीं वो और कितना ही इसके पीछे बर्बाद होगी या फिर बर्बाद करेगी। तो आज का ये पॉडकास्ट बस इसी सारी नौटंकी के ऊपर में था। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो बस आज का ये पॉडकास्ट मैं यहीं पर एंड करती हूँ, बहुत जल्द मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा पॉडकास्ट आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।